पुलिस अधीक्षक अपराध महेंद्र पाल सिंह की अध्यक्षता में थाना एनसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार अवस्थी की मौजूदगी में मंगलवार को किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 107 के अंतर्गत गठित विशेष किशोर पुलिस इकाई व AHTU की मासिक समीक्षा व समन्वय बैठक रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी VD मिश्रा, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष वंदना सिंह व सदस्य अरुण कुमार राव, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य शशि भूषण शुक्ला, बाल संरक्षण अधिकारी सुमन शुक्ला, बाल सुरक्षा सलाहकार यूनिसेफ लखनऊ नीरज शर्मा, पूर्व सदस्य बाल कल्याण समिति डॉक्टर मुमताज खान व समस्त थानों से बाल कल्याण पुलिस अधिकारी व बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, समस्त बाल गृह, चाइल्ड लाइन, गैर सरकारी संगठन के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में किशोर न्याय अधिनियम, पॉस्को एक्ट, बाल श्रम, बच्चों को नशीले पदार्थों से बचाव आदि की विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में डॉक्टर VK श्रीवास्तव द्वारा डेंगू से बचाव एवं रोकथाम हेतु विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जिसके संबंध में SP क्राइम डॉक्टर MP सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना अपराध है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP क्राइम डॉक्टर MP सिंह ने कहा, मैसेज दिया कि जनता ने जिनसे लाइटेंस और डेंगू वगैरह इस समय बहुत फैल रहा है, तो उन बचाव और सावधानियों के बारे में जो यहाँ छोटा सा ग्रुप बैठा हुआ है, SDO साहब का भी मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि माता जी ये लोग तो इस टीम का हिस्सा है। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्ञान और मार्गदर्शन है बचाव के लिए, और जो दे रहे हैं कष्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विजय श्रीवास्तव। जो कह साधारण है खतरनाक है, मुझे डेंगू हुआ। डेंगू एकदम सरल और साधारण वायरल फीवर, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कंडीशन एक लग गई, अगर हम इसमें कुछ लापरवाही न बरते तो, और आप देखते होंगे कि दिल्ली में इतने ढेर सारे केसेज हैं, नेट पे आप ढूंढेंगे तो पूरे साल भर केरला में डेंगू के केसेज आते हैं, लेकिन मौतें वहां न करें। जी सर, डेंगू एक मच्छर, हमारा एडीज मच्छर होती है, जो आपके अगल बगल यहाँ अगर सर्वे किया जाए तो निश्चित रूप में मिलेगी। तो डेंगू मच्छर के कारण, डेंगू का जो बीमारी होती है यह एक एडीज मच्छर होती है, उसके काटने के कारण बीमारी होती है। एडीज मच्छर पूरी तरह से शहरों में हमारे साथ रहने वाला, जैसे कुत्ते भी हमारे साथ रहते पसंद करना रहते हैं, उसी तरह से डेंगू का मच्छर भी हमारे साथ रहना पसंद करता है। इसलिए कि उसके पैदाइश के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए जितनी अच्छी चीजें चाहिए सारी हम उसको स्वतः हम दे रहे हैं। डेंगू पूरी तरह से हमारी अपनी फैलाई हुई बीमारी है। जहां जहां डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है वहां वहां डेंगू होना ही है, क्योंकि जहां बिल्डिंग बन रही है, जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है, रिनोवेशन का काम चल रहा है, वहां पे आपके जल के स्रोत होने निश्चित है। तो वहां पे डब्बे होंगे, वहां गैलन्स होंगे, वहां पे आपके पानी के कंटेनर्स होंगे, और इन्हीं छोटे छोटे पानी के स्रोतों में मच्छर अंडे देते हैं। कभी तालाब और राम कृपाल हमारे लिए डेंगू के लिए समस्या नहीं हो सकता है। मच्छर बड़े स्पेसिफिक होते हैं, हमसे आपसे वो हजारों गुना ज्यादा स्मार्ट है, और जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा ऑलरेडी सोचे हुए रहते हैं। डिसाइड किया कि शहर के लोगों को मैं काटूंगी, और शहर के लोगों की जो हैबिट है और हैबिटेट है उसी को मैं अडॉप्ट करूंगी। संसाधन है तो ये सारे संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन दिन के समय हमारी मजबूरी है कि हम वर्किंग के सारे किसी को भी काट सकते हैं। हमारे बॉडी का अधिकतर पार्ट जो है एक्सपोज रहेगा, जूता हम नहीं पहने तो नीचे आराम से मच्छर काट रहा होगा। तो शहर के हैबिटेट के हिसाब से उसने अपने हैबिटेट को और अपने हैबिट को उसने चेंज किया, और इसलिए वेल चाहेंगे स्पेशली कुछ जगहों पर हम लोगों ने सर्वे कराया, जैसे आपका पुलिस लाइन ही है और स्पेशली बिछिया कैंप है। कोई ऐसा मिलता है जो कि फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको आप एक्साइज डिपार्टमेंट से शेयर कर दीजिएगा, और उसके बाद अगर फॉलो अप नहीं होगा तो उसको फिर हम जिला स्तर से देख लिया जाएगा। बाद में स्कूल स्थापित हुआ हो तो काम पहले से था, ये आबकारी विभाग की गाइडलाइन है। ग्रुप के माध्यम से भी अगर डाल देंगे तो मैं कंपाइल करके फिर जिला स्तर की बात हो गई। सर कही है जो दवाएं आप पकाते हैं NDPS में वही सारी दवाएं हैं, मेरे बिना मैं इसमें, या जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स होते हैं वो है इसमें, एल्फ्राजोलाम है इसमें, टैनी टैनी पाम है, एल्फ्राजोलाम है, एल्फ्राजोलाम तो
आप लोग पकड़ते ही है, ये सारे यहाँ पीएनएम ग्रुप के जितने कंपाउंड है वो सारे कंपाउंड है, बहुत लंबी सूची है, आप चाहें तो सूची आपको उपलब्ध करा देंगे, बट दे आर केमिकल नेम्स। इनफैक्ट उस टाइप की दवाइयाँ ओपीएम वाले जितने एंटीबायोटिक्स हैं, ओपीएम प्रोडक्ट है, वो सारे हैं इसमें, दीज आर स्ट्रॉन्ग पेनकिलर्स। बड़े बड़े लोग भी इनको खाके पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ASTU की ये मासिक मीटिंग है, इस मीटिंग में बाल कल्याण से संबंधित सभी विभागों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए, और आजकल डेंगू बहुत फैल रहा है, डेंगू के संबंध में सबसे पहले डॉक्टर BK श्रीवास्तव एपिडीमियोलॉजिस्ट हैं मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने डेंगू से बचाव के संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों, सभी स्वयंसेवी संगठनों और सभी अधिकारियों के लिए विस्तृत रूप से इसके बचाव के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त SPO गोरखपुर श्री BD मिश्रा द्वारा इसमें पॉक्सो एक्ट की विवेचना में क्या क्या बारीकियां हैं, विवेचना किस प्रकार से गुणवत्तापूर्वक करना चाहिए, इसके बारे में विधिवत हमारे विवेचकों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। लेबर डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि ने जो बच्चे चिन्हित किए हैं रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके बारे में क्या कार्य योजना है और किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करना है विस्तार से बताया। DPO साहब ने तंबाकू निषेध अधिनियम और JJ एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान, जिसमें प्रमुख रूप से ये है कि नशे से बच्चों को कैसे बचाएं, और विद्यालयों से 100 मीटर की दूरी पर शराब, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों की दुकानें हों, वहाँ CCTV लगे हों, इन सब नियमों के बारे में और इन्फोर्समेंट करने के तरीकों के बारे में विस्तार से सभी थानों के CWPO के लिए, बाल कल्याण अधिकारियों के लिए बताया गया। और ये कोऑर्डिनेशन मीटिंग हम लोग नियमित रूप से इसलिए करते हैं ताकि एक स्वस्थ समाज, स्वस्थ बच्चे, स्वस्थ राष्ट्र निर्माण, स्वस्थ गोरखपुर की स्थापना हो सके। थैंक यू। सर, एक धूमपान में बताया सिगरेट पीने से भी सहारा है, उसकी एक सार्वजनिक स्थान पे सिगरेट पीना अपराध है, इसमें जुर्माने का प्रोविजन है, और इसमें जुर्माना जो है संपूर्ण जनपद में किया जाएगा जो भी सार्वजनिक स्थल पे धूम्रपान करता हुआ पाया जाएगा।